इट्स अ पीसफुल एंड अ स्वीट गुड मॉर्निंग फ्रॉम रेलिंग ट्रैवलिंग कैंप्स। एक्चुअली हम इधर रात को आ गए थे लाइक अराउंड 6:30 को। थैंक यू। तो उस वक्त तो ज्यादा कुछ नहीं दिखा सका एंड एनीवेज वी एंजॉयड अ लॉट, वी डिड बॉनफायर। तो अभी जाली गर्म हो चुका है, इसको प्लेस करना पड़ेगा इधर कैंपिंग एंड मैं इसमें सोया था। फूडिंग लॉजिंग मिर्ची बोलते हैं ना, डिनर हो रहा है, स्विमिंग वगैरह, सुबह सुबह स्विमिंग कर रहा है वो भी ठंडे पानी में। एंड या द मेन थिंग, ब्रश करने के लिए मैं मोर देन हाफ किलोमीटर गया। सो लाइक दिस इज द फील, रिवर के पास में ब्रश कर रहे हैं एंड रिवर ठीक नीचे ही है, रह नहीं। लाइक इट वॉज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड स्विमिंग भी किया। एंड ये सामसिंग बोलते हैं इस जगह को एक्चुअली में, एंड रेलिंग के अंदर ही आता है बिजनबारी ब्लॉक। सो इधर से ना आपको बहुत सारा व्यू भी दिखेगा, लाइक दिस इज द दार्जिलिंग सेक्शन, मेन टाउन भी दिख रहा है, दैट्स द मेन टाउन। एंड ये हो गया पूरा रेलिंग एंड इसके ठीक नीचे आपको बिजनबारी मिलेगा। सो एग्जैक्टली दिस वॉज द प्लेस आई वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि काफी एग्जॉस्ट हो गया था घर बैठे बैठे एंड इट वॉज अ रियली गुड एंड रिफ्रेशिंग। द रोड्स वर टू एडवेंचरस, लाइक लेपर्ड भी एनकाउंटर हो गया, ऑफ रोडिंग किया। तो गाइस अभी अभी ना इधर एक लेपर्ड देखा मुझे, तो मेरे साथ सिलगुडी से आए ना आप लोग। Yes. So, भैया लोग भी काफी एक्सपीरियंस राइडर्स है, लाइक द रोड वाज एडवेंचरस एंड काफी कुछ देखने को मिला एंड ही मैनेजेस एवरीथिंग। भैया जी ऑलराइट, सो इट्स अ क्वाइट गुड डे एंड आज मैं बेसिकली निकल रहा हूँ रेलिंग की तरफ एंड दिस विल बी माय फर्स्ट लॉन्ग टूर इन दिस ड्यूक 250। सो लेट्स सी कि इसका कितना क्या कुछ होगा एंड जो यहाँ पिलियन सीट देख इसको बांधना पड़ेगा एंड आई एम गोइंग सोलो, सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो सबसे पहले इसको बांधना पड़ेगा एंड विल कैच यू अप कि एंड मैं एक्चुअली ऐसे सोच रहा हूँ कि बैग को ऐसे रखूँगा एंड पोनोवेस्टा विल बी हेल्पिंग, देखते कि कैसे सेटअप करेंगे सब कुछ, मुझको भी खरीदना पड़ेगा एक। Alright, I'll be leaving now and just let me take time. It's 1:38 right now and जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं they are waiting for me. So हमेशा की तरह लेट as always and इसको सेट करना पड़ेगा एंड यह फ्यूल अप भी करना पड़ेगा मुझे। Also it's 3 PM and आप भी धूप देख सकते हैं पेट्रोल पम्प में। Exactly right now I'm waiting for some people who are joining us today. हेलो ओबी अरिंदम, नहीं बहुत देर कर दिया ना एक्चुअली जो ये भीतरी था ना आप पे वहाँ पर थे? नहीं 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 इधर ही हूँ मैं, वहाँ पर एक यामा का शोरूम है तो उसमें उसका जो ये पेट्रोल का टैंक होगा ना टैंक में उसका वो चला गया था पानी तो उसमें काफ़ी देर लग गया। पूरा खोलना पड़ता, पूरा खोल दिया फिर चेंज कर दिया वो वायर चेंज कर फिर उसके बाद चलिए चलते वरना देर होगा। सो द डे इज क्वाइट वेल एंड गुड एंड लेट्स सी कि आप क्या कुछ कर पाते हैं उधर जाके एंड वी आर गेटिंग क्वाइट लेट क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुका है। दिस वाज द सिनेरियो वी आर फेसिंग, सब तो हो रहा है लेकिन नहीं भागेगा आप देख सकते हैं। तो प्लान में काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है, वी आर गोइंग द सेम ओल्ड रोड जो कि दामने की तरफ एंड वहाँ से सीधे बिजनबारी के बाद वी विल हेड टुवर्ड्स रेलिंग। एंड यार गाइस तेलंगा का बाइक नहीं बना तो इसकी वजह से ही इज गोइंग क्लियर एंड यार ट्रैफिक एज यूजुअल इतना लंबा लाइन है। तो अभी हम लोग सिंगमाड़ी पहुँच चुके हैं एंड सिंगमाड़ी से हमको लेना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ टर्न क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जामुने एंड वाया जामुने विल बी हेडिंग टुवर्ड्स बिजनबारी एंड बिजनबारी से होके रेलिंग जाना पड़ेगा एंड इधर से लेना पड़ेगा डाउन हिल की तरफ। जो रोड कंडीशन इज नॉट दैट गुड, तो आप कंचनजंगा भी देख सकते हैं वहाँ ऊपर एंड इट्स क्वाइट रियली क्लोज आप देख सकते हैं या नहीं, थोड़ा जूम इन कर देता हुआ दस कंचनजंगा एंड आपको इधर से काफ़ी ग्रीनरी वाला व्यू देखने को मिलेगा क्योंकि सैवन लोग अवेलेबल इतने एंड या अभी इधर से ना
एक्चुअली व्यू देखना स्टार्ट हो जाएगा जो आप सीधा रास्ता देख रहे हैं, इटलीस्ट सिक्किम एंड सिक्किम भी जाएगा ये रास्ता। तो हम लोग सिक्किम में नहीं जा रहे, वी आर गोइंग टू बिजनबारी, तो दिस इज द रोड एंड इधर 3 नंबर में ही चलना पड़ेगा। इसे बोलते हैं द गोल्डन आवर। लाइक इफ यू कैन सी, पूरा का पूरा गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। लाइक गोप्रो में सनराइज भी आ रहा है गोल्डन टाइप का। सो सेनंग भाई जा रहे हैं मेरे साथ। एक बार बैग निकाल लीजिए, बैग एक्चुअली ना ये मेरा बैग इधर था, लेकिन सेनांगदा का बाइक खराब होने की वजह से ही इज सिटिंग एज अ पिलियन विद मी। अभी काफी मस्त मस्त फोटो क्लिक किया एंड दैट्स द डैम जामुने। आई एम गेटिंग एक्साइटेड ना, पिछली बार जब मैं जामुने गया था तो इसकी वजह से बीमार हो गया था एंड अगेन आई एम हेडिंग टुवर्ड्स जामुने एंड आई होप कि आज ना ऐसा कुछ सीन नहीं हो। लाइक मैंने थोड़ा बहुत स्विमिंग जैसा, स्विमिंग तो नहीं, पानी के अंदर घुस गया था ना एंड ऊपर से जो है टी शर्ट पहन के ही बाइक राइड किया तो ठंडा लग गया एंड हम लोगों को पहुँचना है वो ऊपर। आप बिजनबारी भी देख सकते हैं इधर से, बट अम्मा मामा वो देखिए मेरे भाई ठोक क्यों है। तो अभी हम लोग जामुने पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जामुने से ऊपर चढ़ रहे हैं एंड रास्ता काफ़ी स्टीप है तो फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही जाना पड़ेगा एज यूजुअल एंड यार दिस इज द मेन रोड, तो इधर वेट करेंगे। पूरी तरह से गर्म हो चुका है, आप सुन सकते हैं फैन का आवाज। तो दिस इज द मेन बिजनबारी मार्केट एंड इधर ही होता है हाट वगैरह सब कुछ। तो इधर थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे एंड लेट्स सी क्या कुछ लेकर जाना पड़ेगा। गाइस अभी एकदम रात हो चुका है एंड ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा, तो दिस इज द रेलिंग बाजार जो कि अभी बंद हो चुका है। दिस इज सेंट्रल बाजार टाइप का है, तो इधर से हमको अंदर की तरफ लेना पड़ेगा एंड यह रात है तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा एंड सीधे जाने के बाद फिर राइट की तरफ टर्न एंड इधर से जो ऑफ रोड टाइप है ऑफ रोड टाइप शुरू होगा। तो गाइस अभी अभी ना इधर एक लिपट देखा मुझे। चितुआ हो? आए ना चितुआ। ओ ओ देखा आपने लिपट लिपट जो चितुआ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। सो ये जो आप व्यू देख रहे हैं इसको तो मैं नाइट लैप्स में कवर कर दूंगा एंड मॉर्निंग को काफी अच्छा व्यू मिलेगा एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू ऑल हैव योर डिनर एंड चिल आउट। तो काफी अच्छा डेकोरेशन किया है एंड इसका नाम एक्चुअली रेलिंग ट्रेवल्स कैंप या लिंक रहेगा नीचे, यू कैन चेक इट इंस्टाग्राम एंड जो ये बुकिंग वगैरह का सब कुछ डाल दूंगा एंड डेकोरेशन काफी अच्छा किया है। लाइक जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं इंडिकेट्स बुद्धिज्म एंड क्रिसमस जैसा ही लग रहा है मुझे। तो दिस प्लेस इज रियली क्वाइट अमेजिंग एंड विल वर्क फॉर कैंपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इधर भी जगह है एंड दिस इज द ओल्ड PCO टेलीफोन बूथ। ये सब सिर्फ मैंने फोटो में देखा एंड आज पहली बार रियलिस्टिक में देख रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग goosebumps एंड आई जस्ट कैन वेट एंड आई जस्ट कैन वेट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल कि कैंप फर्स्ट टाइम कैंपिंग है मेरा। तो देखते हैं कि गाइस अनसब्सक्राइब आप लोग को लूट रहा है। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, विल बी शेयरिंग एवरीथिंग एंड द रोड वाज रियली डैम एडवेंचरस। रास्ता कैसा लगा आपको?
रास्ता तो बहुत अच्छा भी था, थोड़ा फुल एडवेंचर एंड लेपर्ड भी देखने को मिला। दिस इज द एडवेंचर कैंप, सो एक्चुअली दिस इज द टेंट। अंदर का तो मैं कल सुबह दिखाऊंगा क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो उतना बहुत अच्छे से भी नहीं दिखाई देगा। एंड जो आप ये देख रहे हैं ना, दिस इज टोटली मेड अप ऑफ जो ये व्हीट यानी धान उससे ही बना गया है। एंड इधर आपको काफी अच्छा डेकोरेशन मिलेगा, लाइक कैंप तो हो गया ऑब्वियसली। एंड दिस इज द टाइप ऑफ हट, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा वगैरह वगैरह कैंपिंग से। एंड ये रहा हमारा सामान वगैरह। एंड आई लाइक दिस पार्ट, दिस इज डैम ब्यूटीफुल, क्योंकि जो आप लाइट देख रहे हैं ना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर, क्योंकि जिपिक 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 होता है। तो काफ़ी इट्स टू वेल डेकोरेटेड। एंड इधर भी आप लंच वगैरह कर सकते हैं और यू कैन हैव योर टी एंड एक्सेट्रा। एंड उधर भी यूजुअली लंच ही होता है, एंड लंच कर रहे हैं हमारे लोग, डिनर हो रहा है। सो जैसे कि मैंने कहा था, लाइक इधर बॉनफायर भी होगा एंड दिस इज द वे डाउनस्टेयर्स। सो इधर एक्चुअली में बॉनफायर भी होता है, लाइक दिस इज द वन। एंड इधर बारबेक्यू भी होगा, बट यू नीड टू ऑर्डर इट, तिरंगा एकदम फिल्म में सही बोलते, लेकिन यार आगे नहीं जल रहा। सो हिज नेम इज ब्रूनो, लोकल हस्की। इधर देख लो एक बार, लोकल हस्की। सो एक्चुअली ना गाइस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस बारबेक्यू। सो एग्जैक्टली अभी 1 AM क्रॉस हो चुका है एंड अभी हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। सो दिस इज द फन व्हाट वी डू। एंड इसका दूसरा एक एक्सपीरियंस है आपको, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। सो सबसे पहले तो ये जो मेन नेट है, नेट को थोड़ी देर वार्म करना पड़ेगा एंड उसके बाद इसे पकड़ के डालना पड़ेगा सीधे। ही मैनेजेस एवरीथिंग, तो कल सुबह बात करेंगे। एक्चुअली अभी उठाऊँ एंड इस वक्त आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, एक रिवर भी है इधर लोकल, तो उधर जाऊँगा एंड ब्रशेस करूँगा, ब्रश एंड वगैरह, क्योंकि नेचर में ब्रश करने का फील ही डिफरेंट होता है। तो मेरे साथ कि वो यहाँ योगेन जा रहा है, तो ही विल बी टेकिंग एंड उधर बाइक में ही जाएंगे। तो सो रास्ता ऐसा कुछ है, रात को तो क्लियरली नहीं दिखा सका, बट एनीवेज कार एंड बाइक को ऊपर पार्क करना पड़ेगा एंड सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता है नीचे से। सो दिस इज़ द वे, सो दिस इज द मेन रोड। एंड रात को कुछ अच्छे से नहीं दिखा सका, लाइक दैट्स द मेन टाउन, कल रात भी देख लिया आप लोगों ने एंड बाइक उस जगह पे पार्क किया है। सो दिस रोड इज़ क्वाइट एडवेंचरस, लाइक पीच रोड तो नहीं है बट इट इज़ टोटली एडवेंचरस। यू लव एडवेंचर, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन गो। बाइक इधर पार्क किया रात को एंड अभी ना मैं दांत मारने के लिए जा रहा हूँ। तो रास्ता ऐसा कुछ है अभी, दिस इज टोटली एडवेंचरस रोड, लाइक प्लेन रास्ता तो नहीं मिलेगा आपको। दिस इज टोटली एन ऑफ रोड, जो कि आप रिवर भी क्रॉस करना पड़ेगा, लाइक दिस इज वन ऑफ द वाटर क्रॉसिंग एंड यही है ना। सो आप लोगों ने रास्ता तो देख लिया, इट्स टोटली एडवेंचरस एंड यहाँ पर आपको रिवर भी मिलेगा, लाइक क्यों खोला खोला आप? सामसू लोकल रिवर, अम्बो पानी इधर, दिल को सुकून मिल रहा है भाई यहाँ। एंड आप इधर भी आ सकते हैं थोड़ा बहुत चिल आउट करने के लिए। एंड यार मैं तो ब्रश करने ही आया हूँ इधर, क्योंकि ऐसे जगह में ब्रश करने का फीलिंग ही और ही होता है। सो लाइक दिस इज द फील यू गेट आउट है रिवर के पास में ब्रश कर रहे हैं एंड रिवर ठीक नीचे ही है, मेरा ही नीचे। अभी ना एक्चुअली वी आर सर्चिंग फॉर अ टाइप ऑफ स्विमिंग पूल, दिस प्लेस इज टोटली एडवेंचरस। ओह माय गॉड, सुबह सुबह स्विमिंग कर रहा है वो भी ठंडे पानी में। तो दिस इज रीलिंग ट्रैवल कैंप एंड दिन में ऐसा कुछ, रात को तो कुछ अच्छे से नहीं दिखा सका, लाइक इट वॉज टू लेट। एंड अभी देख लीजिए, लाइक देर आर 3 टेंट्स, टोटली 3 टेंट है एंड मैं इसमें सोया था, तो अंदर ऐसा कुछ है एंड काफ़ी गर्म एरिया है। एंड दिस इज द बैम्बो हाउस,
सो दिन में ऐसा कुछ दिखेगा आप लोगों को, काफी मजा आया। सो इसका सब कुछ लिंक रहेगा नीचे, यू कैन डू चेक इट आउट। एंड जो हमारे साथ आए थे भैया लोग, वो भी दे आर टू फ्रेंडली। अगर आप पीसफुल टाइप का एनवायरनमेंट या एडवेंचरस टाइप का पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू विजिट दिस प्लेस। इट्स लोकेटेड इन रेलिंग एंड फ्रॉम द मेन टाउन इट्स लाइक 30 किलोमीटर्स अवे। तो विल श्योरली मिस दिस प्लेस एंड विल सून बी विजिटिंग। अपने दोस्त लोग के साथ वापस आएंगे, एक बार सेनंग दादा शादी करके आएगा सीधा। तो गुड बाय टू दिस प्लेस, इधर से गुड बाय करने का वक्त। दिस इज द घूम रेलवे स्टेशन एंड रेलवे मूविंग टूवर्ड सिलीगुड़ी एंड हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर। इनके पास नंबर है ना? हाँ, घर पर चुका हूँ एंड यू नो मैन आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। सो ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, सिर्फ वीडियो एंड ही करूंगा। एंड प्लीज टू चेक इट आउट रेलिंग कैंप्स इंस्टाग्राम एंड ऑनलाइन बुकिंग का, दोनों का लिंक रहेगा नीचे। तो मेक श्योर टू विजिट दैट प्लेस टू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो इट्स योर बॉय अभिराज साइनिंग ऑफ टुडे एंड होपफुली सी यू ऑन अनदर वीडियो।